की फाइल लगान दे ले मेडिकल का होना बहुत जरूरी है। इस टाइम ते कोविड दी सिचुएशन करके हाई कमीशन वालों या गवर्नमेंट दे रूल्स वालों मेडिकल इस टाइम स्टूडेंट्स दे बंद हुए हुए है। स्टूडेंट अपनी फाइल लगाना चाहते हैं, GIC पेड है, फीसा ट्यूशन फीस पे कीतियां हुई है, बट मेडिकल दे करके फाइलां साडियां हजे इन प्रोसेस या फिर असं कह सकते हैं कि फाइलां पेंडिंग लिस्ट विच ही चल रही ने। की असं विदाउट मेडिकल फाइल लगा सकते हाँ? मैं मोनिका वर्मा BMS ओवरसीज सर्विसिज वालों अच्छ तुम एक चीज़ क्लीयर करांगी कि अगर तुम अपनी फाइल पूरी कंप्लीट कर चुके हो, अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर चुके हो एंड अगर अपनी ट्यूशन फीस एंड GIC भी पे कर चुके हो, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा मेडिकल रह गया जिसे करके थोड़ी फाइल नहीं लग पा रही, बट यस तुम अपनी फाइल लगा सकते हो। हाई कमीशन वालों यह नोटिस आ चुका है कि अगर थोड़ा मेडिकल इनकम्प्लीट है तो तुम अपनी फाइल लगा सकते हो। सिर्फ एक चीज़ रह जाएगी कि जो थोड़ी फाइल है वो STS कैटेगरी के अंडर काउंट नहीं होएगी और नॉन STS कैटेगरी के अंडर काउंट होएगी। बट यस जितना ही मेडिकल खुलेंगे और तुम अपने मेडिकल की अपॉइंटमेंट लेके अपना मेडिकल कंप्लीट करवाओगे, असं वो चीज़ अपलोड कर देंगे और थोड़ी फाइल अगेन STS कैटेगरी के अंडर आ जाएगी। सो कोई भी स्टूडेंट जोड़ा अपनी फाइल लगाना चाहता है, चाहे वह सितंबर इनटेक दी फाइल्स पेंडिंग है या फिर जनवरी इनटेक दी फाइल्स पेंडिंग है, उन्होंने घबराने की जरूरत नहीं है। अपन फाइलों तुम लगा सकते हो एंड फाइल लगा के थोड़ी फाइल जी क्यू च आ जाएगी एंड इन प्रोसैस च आ जाएगी हाई कमीशन के। जिदा ही मेडिकल अपॉइंटमेंट खुलेंगे तो अपना अपॉइंटमेंट लैके मेडिकल कंप्लीट करवा के उन्होंने वैब फॉर्म से अपलोड कर दो एंड आफ्टर दैट थोड़ा रिजल्ट जो है पॉजिटिवली बहुत जल्दी मिल जाएंगे। इस टाइम तो थोड़े कंफ्यूज है बिकॉज एज पर द गाइडलाइंस ऑफ हाई कमीशन की सू 15 मई तक ही फाइल्स लगानिया फॉर सितंबर इनटेक, लेकिन बच्चों के ऑफर लेटर थोड़े डिले हो गए या फीसा पे कर थोड़ा टाइम लग गया। हूँ वो सितंबर के लिए फाइल्स लगान या ना लगान या फिर उन्होंने जनवरी के लिए डेफर करवाएं, उन्होंने सारे स्टूडेंट्स में एडवाइस है कि तुम अगर अपनी फाइल लगाना चाहते हो, अगर थोड़ा मेडिकल होया हुआ है और थोड़े सारा फाइल थोड़ी कंप्लीट है तो डेफिनेटली तुम हजे भी फाइल लगा सकते हो। उसके नाल तुहानू कोई भी नैगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा थोड़ी फाइल के उत्ते सितंबर इनटेक नूं लैके। थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है बट यस डिसीजन च तुहानू कोई भी गलत डिसीजन तुहानू नहीं मिलेगा या फिर तुहानू फाइल विदड्रॉ करन दे लई कोई भी जरूरत नहीं पेगी, तुहानू डेफिनेटली पॉजिटिव डिसीजन ही मिलेंगे। सो सारे बच्चे जिहड़े बच्चे कैनेडा दे लई जाना चाहते हैं, जिहड़े थोड़े डरे हुए हैं, जिन्हां दे वीजा आए हुए हैं और जा नहीं पा रहे, जिन्हों टिकट्स एक्सटेंड हो चुकी ने, उन्होंने सारे बच्चों के लिए एडवाइस एक ही है कि अपनी ऑनलाइन क्लासेस जरूर ज्वाइन करते रहो, पढ़ते रहो, वीजाज थोड़े आ चुके हैं, डेफिनेटली तुम पहुँचोगे ही पहुँचोगे। जिहड़ियां टिकट्स भी तुम करवाई हैं डेफिनेटली एक्सटेंड हो जाएगियाँ एक महीना नहीं तो 1.5 महीने तक, तुम मैक्सीम टू मैक्सीम ऑगस्ट के मंथ तक अपने डेस्टिनेशन से जरूर पहुँचाओगे। सो हैव पेशेंस एंड अपने पॉजिटिव रह के अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो। जिन्हों फाइल लगन वाली हैं और अपनी फाइल लगाओ, जिन्हों के डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है लाइक मेडिकल विदाउट मेडिकल भी फाइल लगाओ एंड जो बच्चे जनवरी इनटेक के लिए अपलाई करना चाहते हैं और जनवरी इनटेक के लिए अपनी असैसमेंट जरूर करवाओ सो डैट कि तुम जनवरी इनटेक मिस ना कर लो, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट सितंबर टू जनवरी डेफर हो चुका है एंड हो सकता है कि थोड़े लिए जनवरी इनटेक भी बहुत जल्दी खत्म हो जाए। सो अपनी इनटेक लूज ना करो एंड अपलाई करो एज सून एज पॉसिबल। जब उधर ऑफिस विजिट करना चाहते हो साढ़े तो जरूर विजिट करो, अदरवाइज तुम कॉल करके पूरी इनफॉर्मेशन ले सकते हो। काउंसलिंग चाहते हो ऑनलाइन लाना तो डेफिनेटली सानू कॉल करो साढ़े कॉन्टैक्ट नंबर पर 9883700040, अदरवाइज तुम साढ़े सैकेंड अल्टरनेट नंबर पर भी कॉल कर सकते हो 9887100040। थैंक यू सो मच।